महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के चक्र तीर्थ के पास स्थित आंदेश्वर महादेव 84 महादेवों में 33वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन जमाने में राथंतर कल्प में अनमित्र नाम का राजा था। उसकी प्रिय रानी गिरिभद्रा और आनंद नाम का पुत्र था। पैदा होते ही आनंद को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और वह माता की गोद में हंसने लगा। माता ने आश्चर्य से उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने कहा, यह बिल्ली रूपी चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाना चाहती है और तुम उसे देख नहीं रही हो। इस पर माता को गुस्सा आ गया और वह सूतिका घर से बाहर चली गई। तब उस चुड़ैल ने उस बालक को उठाकर विक्रांत नामक राजा की रानी हेमिनी के शयन कक्ष में रख दिया। राजा उस बालक को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इसे अपना बालक जानकर उसने उसका नाम आनंद रखा। उस निशाचरी ने राजा विक्रांत के असली बालक को ले जाकर बोध नामक ब्राह्मण के घर में रख दिया। ब्राह्मण ने उसका नाम चैत्र रखा। राक्षसी ब्राह्मण के बालक को खा गई। आनंद का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु ने उसे माता को नमस्कार करने को कहा। तब उसने गुरु से पूछा, मैं कौन सी माता को नमस्कार करूं, जन्म देने वाली या पालन करने वाली। गुरु जी ने कहा, राजा विक्रांत की पत्नी हेमिनी तुम्हारी जननी है, उसे नमस्कार करो। तब आनंद ने कहा, हेमिनी चैत्र की माँ है और चैत्र ब्राह्मण के घर में है, मैं तो गिरिभद्रा का पुत्र हूँ। गुरु ने पूछा, यह कैसे हो सकता है। तब आनंद ने कहा, दुष्ट ब्राह्मण दुस्सह की जात हारिणी पुत्री लोगों के बच्चों को बदल देती है, इसलिए मेरी दो माताएं हो गई हैं, अब मैं तपस्या करूंगा। विक्रांत राजा से उसने कहा कि आप बोध नामक ब्राह्मण से अपने पुत्र को ले आइए। तब राजा अपने पुत्र चैत्र को ले आया। आनंद महाकाल वन में जाकर तपस्या करने लगा। उसने इंद्रेश्वर के पश्चिम में स्थित लिंग की पूजा की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम छठे मनु बनोगे। आनंद द्वारा पूजित होने से यह लिंग आनंदेश्वर कहलाया। आनंदेश्वर के पूजन से मनुष्य जन्म मृत्यु जरा से मुक्ति पा जाता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।